अच्छी लगी ये तो बताओ। बताओ तो सही। ये मोटरसाइकिल पे बैठ रहा था खुद ब खुद और मोटरसाइकिल इसके ऊपर गिर गई। किसने रोज बोलता हूँ ना नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। और ये हमजा है, हमजा कैसे हो आप? ये भी ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं, दिलवर भाई ने हमें कॉल की थी कि जल्दी से आ जाओ। मिट्टू नहीं है, कोई और है। तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं, फिर आपको वहीं पर मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं डीडी भाई के साथ। अच्छा जी, तो इस टाइम हम दिलवर भाई के पास आ चुके हैं और दिलवर भाई का वेट हो रहा है। वो अभी कार पर आएंगे अपनी कार से आते, तो जैसे ही आते हैं हम उनके पास भी देखते हैं। पता है आपको कहाँ पर आए हुए हैं? जहाँ पे हमेशा दिलवर भाई होते हैं। हम लोग आए हुए क्रिकविस्टर की साइड पर, क्रिकविस्टर इस साइड पर आए हुए। और हमजा को भी साथ में लेकर आए, और मेरी वाइफ भी है, वो बेचारी वहाँ पर खड़ी हुई बाइक के साथ। मैंने उसको बोला आप यहीं पर रुको, हम लोग थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो हमजा आ जाओ, अभी हम दिलवर भाई का वेट कर रहे हैं। दिलवर भाई कब आएंगे? अभी आ जाएंगे, उनके पास कोई बोई लेने आए, तो उसी की वजह लिए जो ना हम लोग भाग के जो जल्दी आ गए। हमजा कैसी लगी ये जगह? हाँ, डीडी भाई के पास जा रहे हैं। डीडी भाई अभी आने वाले हैं, अपनी कहाँ है? उन्होंने कहा कि एक मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं, और जब तक आप ये जगह देख ले के बाहर से कैसे। अंदर तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ एक दो बार पहले भी, तो आज मैं आपको बाहर का विजिट भी करा देता हूँ। बाहर से ही ऐसी है, और ये देख मतलब बहुत ही बड़ी जगह है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। तो अभी एक मिनट तक भाई आते हैं, फिर आप। हमजा बहुत खुश होता है यहाँ पर आकर। हमजा, ओ हमजा कहाँ जा रहे हो? डीडी भाई के पास? नहीं, डीडी भाई तो हमारे पास आ रहे हैं, आ जाओ। पर भाई आ चुके हैं और हमजा को देखें भाग रहा उन्हीं की तरफ। हमजा हमारा बोलते हैं, इसको अभी नहीं दिखाना, घर जाके दिखाना। तो अभी हम घर जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। आ जाओ हमजा। और ये सामने मेरी वाइफ खड़ी हुई है, और ये पेट्रोल पंप है। ये कौन सा है? रुक रहे हो ना? शेल पेट्रोल पंप है, स्पेस 8 में। चलो, हमें कोई जूस नहीं पिलाओगे? चले अभी हम जो ना डीडी भाई से जूस भी पी लेते हैं। हमजा जाओ मेले भी लेकर आना। अभी जो ना हमजा बग्गे वाली कार। चलो बस, मैं अभी तुम लोग जाओ घर और मैं नमाज पढ़ के मैं भी फिर आ रहा हूँ। ठीक है हमजा, आ जाओ जी, फिर आऊंगा मैं। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, चलें घर चलें। अच्छा जी, अभी इस टाइम जो है मैं आपको फेस 8 के जो नर्सरी दिखाता हूँ। ये देखें, आ जाओ हमजा, आ जाओ, देखो। और ये भी बहुत प्यारी, आपने हमारी गिजरी की तो देखी थी। अभी जो ना इस जगह की शूट करने आए, यहाँ से हम गुजरे तो हमें ये बहुत प्यारी जगह लगी, तो इसलिए आ जाओ। और आगे देखो, हमने सोचा इसका भी शूट कर लें, ये भी आपको दिखा चले। ये देखें, और यहाँ पर लेमन हमें मिल जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये फूल भी देखो, ये जो है लगे हुए यहाँ पे, ये सारे फॉर सेल होते हैं फेस 8 की तरफ से। और ये नर्सरी जो है बहुत प्यारी है, वो हमारी गिजरी की नस्बत गिजरी से, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है हमें। और अंदर मैं अभी तक नहीं गया, इनसे जो है परमिशन लेकर फिर अंदर भी जाऊँगा। और फिलहाल आपको जो है ये दिखाता हूँ, और ये देखें चीज। और आप भी जब आए फेसेट की तरफ तो आप भी लाजिम इस चीज का विजिट कीजिएगा। नर्सरी है ये, शुरू में ही आ जाती है। और ये पता नहीं किस चीज का दरख्त है, ये आप लोग बताना हमें, ये किस चीज का? लेमन तो नहीं है, कुछ और है, ये कुछ और है जो हमें पता ही नहीं है। और ये देख, चलो हम चले आप घर की तरफ। उल्लू देखो कितना प्यारा है ये। ओए कैसे हो?
भाई बोलता है इसको जिन्हें दिन के टाइम दिखाई नहीं देता, तो शायद इसलिए अभी इसको कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं दिखाई तो दे रहा है, ये देखें डर रहा है। अच्छा अभी इसके हम खाना लेने जाएंगे और भाई ने इसको लिए। अच्छा जी, तो आज जुम्मा का दिन है और जुम्मे के दिन आपको पता है हमारे घर बिरयानी आती ही आती है, तो आज भी सेम है और आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और मैं खा रहा हूँ, किसी को खाना है तो आ जाए। चोट दिखाओ कहाँ लगी है। अच्छा भाई, हमजा को जना चोट लगी है इसके पाँव पर। ये कैसे लगी ये तो बताओ, बताओ तो सही। ये मोटरसाइकिल पे बैठ रहा था खुद ब खुद और मोटरसाइकिल इसके ऊपर गिर गई। किसने, रोज बोलता ना नहीं बैठा करो। अच्छा जी, तो अभी मैं काम पर हूँ और इस टाइम मैं मौजूद हूँ दिल्ली कॉलोनी में चेयरमैन स्टोर पर, यहाँ पर जाना रेस्टोरेंट पर। तो यहाँ पर जाना सीन ऑन है, इस टाइम देखे कितना रश है। और मैं यहाँ से ऑर्डर उठाने आया हूँ और सामने हलवा पूड़ी बन रही है, सामने तरफ कढ़ाई और सब्जी सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा जो ऑर्डर है वो रेडी हुआ नहीं है, हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिर जो इधर कढ़ाई बन रही है जो मैं लेके जाऊँगा, वो अभी बन जाए फिर लेके जाता हूँ मैं। अच्छा जी, तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और ये डीडी भाई अभी आया है और ये जो है ना हमजा के लिए बर्गर लाए और हमजा की खुशी देखें। हमजा, ये तो चलो मेरा हो गया ये वाला, और ये हो गया हमजा का। एक मिनट ऐसे नहीं खोल रहा। हमजा पहले बताओ खुश हो। हाँ। डीडी भाई को बोलो थैंक यू। थैंक यू, ठीक है। चलो जी अभी ओपन करते हैं। हमजा ऐसे गिर जाएगा बस। और ये हमने डीडी भाई कहाँ से लेकर आए हैं? डीडी भाई ये लेकर आए हैं हार्डी से लेकर आए हैं। भाई ये कितने के मिले दो बर्गर? ये पड़ गया 600 के। 600 रुपए के? हाँ, कोल्ड ड्रिंक के साथ। कोल्ड ड्रिंक के साथ। और बर्गर का साइज भी देखे माशाल्लाह कितना बड़ा है, तो मतलब सही है, बिल्कुल मुनासिब रेट है और बहुत ही जो ना चीपेस्ट प्राइस है। और आपको भी खाना तो हार्डी से मंगा लीजिएगा। और आज का व्लॉग बस मैं यहीं पे एंड। अच्छा रुक जाओ, मैं बस आज का व्लॉग। अच्छा जी, तो हमजा की स्माइल के साथ आज का वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं और आप सब खुश रहिए। हमजा सबको अल्लाह हाफिज बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव यू कैसे करते हो, किस कैसे करते हो? हाँ ऐसे। चले जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।